आज ये बताया तो अमरूद कैसे ग्राफ्टिंग करते हैं, ये देखो ये अमरूद में कितना फल है। ये 60-70 दिन का पौधा है, गिन लो, नीचे 3 और ऊपर 2, 3 और 3 6, एक नीचे में एक 7 इसमें है। तो इसका ऐसा है, इसका मकसद हमको बताने का है। लोग बोलते हैं कि ये आम का पत्ता से गाछ बनता है, ये अमरूद का पत्ता से गाछ बनता है, वो सब हरबित करने वाला, लोगों को बेवकूफ बनाने वाले काम है। ये इसका कभी रूट निकल भी जाए तो ये कभी फल नहीं होगा, क्योंकि इसका तना बनते बनते वो आदमी का जन्म गुजर जाएगा। इसका सबसे तरीका है आसान, बीज अभी मिलेगा, अच्छा अमरूद खरीद के लाओ, उसका बीज लगा दो, छीट दो थोड़ा जगह में, ऊपर से बालू छीट दो, अगला साल फल आ जाएगा। बीज सही हो तो क्या कोई बात नहीं है, इससे होता नहीं है। बोलता है नींबू से होता है, ये नींबू को देखो, ये नींबू, ये सब हरमित करने वाला, लोग का समय बर्बाद करने वाली बात होती है। ये हमारे ठाकुर जी नर्सरी, आश्रम का नर्सरी में पौधा बनता है, लोग आकर देखते हैं, कोई भेजाल नहीं, कोई डुप्लीसिटी नहीं, लोग दूर दूर से देखने आते हैं। तो इससे होता नहीं है, ये गाछ को समय नुकसान मत करो, पत्ता से नहीं आता है कुछ तो बीज छीट दो। और होता है कौन गाछ होता है पत्ता से, मैं बताता हूँ, ये देखो ये है पत्थर चाटा, ये देखो इसको बीज, ये देखो इसमें सोर रूट निकला है, ये देखो कैसा रूट निकला है, और इसमें से पौधा निकल जाएगा, ये निकल गया है ऊपर देखो। ये इससे होता है क्योंकि इसमें तो फल तो आना नहीं है, पाता ही पाता चाहिए। ये दुनिया का सबसे ताकतवर दवा है, किडनी में अगर पत्थर हो जाता है तो 7 दिन चाहिए, 5, 6, 7 दिन बड़ा पाता हो तो एक पत्ता छिबा लो, वो किडनी फिटनी सब कहाँ चला जाएगा, ढूंढ कर नहीं मिलेगा। ये देखो ये कैसे पत्ता से हुआ है, ये है मदर, इसका ये पत्ता है, सड़ गया वो तो गिर जाएगा, इसमें पौधा निकल चुका है देखो। ये है पत्थर चाटा, इससे होता है क्योंकि इसमें फल तो लेना नहीं है, पत्ता ही चाहिए। ये देखो ये कैसे निकल रहा है, ये अद्भुत बात है, ये देखो ये पत्थर चाटा है कितना निकला है इसमें देखो। इसको मैं ये पत्थर चाटा का पत्ता से गाछ होता है 100% सक्सेस होता है, कहीं भी फेंक दो पत्ता गाछ हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि अमरूद से पौधा बना लो फल आएगा, ये सब भ्रमित करने वाली बात है लोगों को। अगर शौक है तो कोई नर्सरी में जाओ देखो कैसे बनता है, लाखों लाख रुपया दे कर अगर नर्सरी वाला टेक्नीशियन बुलाता है, अभी सीजन चल रहा है आम का जामुन का, जितना ही फल है सबका ग्राफ्टिंग करेगा, मिट्टी से बांधेगा, तरह तरह का होता है, तो लाखों कई लाख लाख रुपया खर्चा करता है लोग नर्सरी वाला, तो सभी पत्ते लगा कर लेता है, अमरूद का उसी से गाछ बना लेता, ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। तो लोग समझे इस बात को, इस पत्ता अमरूद का पत्ता है, इससे क्या पौधा होगा, रूट भी निकल जाए मान लीजिए मैं, लेकिन ताना नहीं होगा तो फल नहीं होगा, वो जीवन गुजर जाएगा। इसको वो बोलते हैं गाँव में कि एक आदमी बोला कि नमक कहाँ बनता है, बोला अरे चा खेती होता है, जा 5 किलो नमक डाल दो खेती में, अथा सुबह में पानी डालते रहना, वो लास्ट में सुबह ठंडा का दिन था, बीमार पड़ गया वो, और बोला था किसी को बोलना मत। थैंक यू, ये देखो अमरूद का कैसे बनाते हैं कलम, या आज दिखा रहा हूँ मैं इसको, क्या करना है
यहाँ से थोड़ा पत्ता काट लिया हूँ, एक कट मारना है, यहाँ कट मार दिया। अब यहाँ से इसको छील लेना है, देख छील लिया मैं, उसका ऊपर का चमड़ा सब निकाल देना है। नहीं अगर चमड़ा होगा तो नहीं होगा, क्योंकि खाना इससे लेने लगेगा, ये ऊपर वाला जो ये है खाना इसी से लेता है। चमड़ा काट देने का मतलब हुआ कि ऊपर खाना नहीं जा पाएगा, तो चक्कू रखा मैं। और इसमें थोड़ा हर्बल पाउडर लगाऊंगा मैं, ये है हर्बल पाउडर, इसमें लगाऊंगा और इसके ऊपर मिट्टी बांध दूंगा। सैंपली और कुछ नहीं करना है, ये 45 दिन का पहले पहले पूरा रूट भर जाता है इसमें, फिर कटिंग कर लगाओ जहाँ लगाना है। हाँ कटिंग करने का पहले नहीं, कटिंग के बाद इसको एक सप्ताह सेमी सीड में या पौधा के नीचे रखना है। ये मेथी है, ये पत्ता तो इसको मैं बांध लूँगा इसमें। बांध दिया, अब क्या करना है, इसको पोलोथिन चाहिए। ये देखो इजी प्रोसेसिंग है इसका। अब मैं थोड़ा सूता लूँगा, और पोलोथिन बांधूंगा इसमें। ये ठाकुर जी का आश्रम का नर्सरी है, इसमें जो भी होता है सामने सामने होता है, सिर्फ वीडियो बना कर लोग उल्लू बनाने के लिए नहीं, नेचुरली पौधा बनता ही है। ये देखो मैं बांध दिया, ऐसा बांधना कि लीक नहीं हो, हवा नहीं धोके हार्ड ग्रोथ क्या होगा कि मिट्टी सूख जाएगा। और जब बारिश होगा, इसके ही सीजन है, बारिश में ऊपर से जो पानी गिरेगा इसमें भाप बनेगा। इसको मैं बांध दिया, हो गया कंप्लीट। ये देखो दोनों तरफ मैं बांध लिया अच्छा से, ये 40 से 45 दिन में ये तैयार हो जाएगा बंद करके, इसमें पूरा रूट भर जाएगा मिट्टी में। फिर काट लेंगे, यहाँ से काट करके इसको गमला में या पोखरी में लगा कर छाया में रखेंगे एक सप्ताह, ठीक है।